कुछ साल पहले तक डी चैपल का विज्ञापन करते आपने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को जरूर देखा होगा। जब कोई बड़ा सितारा हमें किसी कंपनी, पेस्ट, तेल या सेवाओं के बारे में बताता है तो हम उस कंपनी पर 100% भरोसा करते हैं। कई दशकों से ऐसा होता आया है, लेकिन ये डी चैपल तो फर्जीवाड़े में मास्टर निकला। एक के बाद एक उसके बड़े बड़े खेल उजागर हो रहे हैं। एक साल पहले पता चला कि डी चैपल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से गरीबों को घर देने के नाम पर सब्सिडी डकार ली। जी हाँ, इस प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने 80,000 फर्जी अकाउंट खोले। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फर्जी लोगों को खड़ा किया, उन्हें लोन दिया, सरकार से मिली रियायत खा गया। बैंकों ने 2 किस्तों में करीब 19,000 करोड़ की छूट बधावन ब्रदर्स की कंपनी को ट्रांसफर कर दी। मतलब कागजों में बना गरीबों का घर और हकीकत में सब्सिडी पहुंच गई। बधावन भाइयों के पास इसे 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया। यस बैंक के साथ मिलकर भी बीएचएफएल ने अंदर खाने से भारी उलटफेर किया। पहले हम 9,000 करोड़, 14,000 करोड़ और 23,000 करोड़ को बड़ा घोटाला मानते आए हैं, लेकिन अब तक बीएचएफएल से ही जुड़ा हुआ 34,615 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। सीबीआई के लगभग 50 अफसर की टीम खंगाल रही है काला चिट्ठा। जी हाँ, इसे सीबीआई की ओर से की जा रही अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का और जांच का मामला बताया जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर रहे कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हो गया है। आरोप है कि कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 17 बैंकों के समूह के साथ 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। सीबीआई के 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने कुछ घंटे पहले आरोपियों के मुंबई स्थित 12 ठिकानों की तलाशी ली। बधावन बंधु यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है। आइए डीएचएफएल के इस फर्जीवाड़े के हर पहलू को हम समझते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हुआ ये घोटाला। खेल शुरू होता है साल 2010 से। यूबीआई का आरोप है कि डीएचएफएल कंपनी ने बैंकों के समूह से विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत लोन लेना शुरू किया। 2018 आते आते 42,871 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, लेकिन मई 2019 में भुगतान में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह से डीएचएफएल ने कुल 17 बैंकों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया। अधिकारियों ने बताया कि कर्ज देने वाले बैंकों ने अलग अलग समय पर खातों को एनपीए किया, लेकिन यूबीआई ने दावा किया कि केपीएमजी ने ऑडिट की तब जाकर बड़ी वित्तीय अनियमितताएं, फंड की हेरा फेरी, दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा आदि का पता चला। एक समय जिन बधावन ब्रदर्स का प्राइवेट सेक्टर में सिक्का चलता था, आज वे जेल की सलाखों के पीछे हैं। कपिल और धीरज वधावन को मई 2020 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। एक केस यस बैंक से फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस पीसीएचएफ ने 34,250 करोड़ रुपए में डीएचएफएल का अधिग्रहण कर लिया है। डीएचएफएल के इस मामले के खुलने से पहले तक माना जा रहा था कि एबीजी सीपीआर का 23,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है। सीबीआई ने 22,848 करोड़ रुपए के कथित बैंक घोटाले से जुड़ी जांच के सिलसिले में एबीजी सीपीआर लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल से इसी साल पूछताछ की थी। तब कहा गया था कि ये किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा दर्ज किया गया इस तरह का सबसे बड़ा मामला है। एसबीआई की ओर से 25 अगस्त 2020 को दी गई शिकायत के आधार पर 7 फरवरी को मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की थी।